हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हाउस प्लान। आज हम लोग एक बार फिर से गुड लुकिंग डिज़ाइन के साथ डिस्कस करने वाले, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का वीडियो हर दिन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले दोस्तों, ताकि इसी तरह का वीडियो हर दिन मिल सके आप लोग को। दोस्तों, ये न्यू डिज़ाइन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इसका एलिवेशन है, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में हर एक चीज़ को डिटेल से समझते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसे शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। ये हमारा एंट्रेंस है दोस्तों, ये हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से हमारा 9 फीट बाई 7 फीट का एक डोर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। पहले हम लोग क्लोज व्यू से देख रहे हैं, उसके बाद अभी हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे दोस्तों। ये हम एंट्री कर गए, अभी हम लोग क्लोज व्यू से देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर टॉप व्यू से देखेंगे। हमने इस प्लान में फॉल सीलिंग भी लगाए हुए है, आपको दिखा दे। ये हमारा फॉल सीलिंग है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक तो ज़रूर करें हमारे वीडियो को। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। ये हम लोग फिर से यहाँ सीढ़ी से होते हुए, ये बालकोनी है जिसको बोल सकते हैं, वहाँ से हम लोग बाहर आ गए दोस्तों। अब हम लोग इसको क्लोज व्यू से देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं और साइज़ वगैरह के बारे भी जानते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ से एंट्री किए थे, यहाँ से, और एंट्री करने के बाद यहाँ पे आए थे अंदर में। ये हमारा 5 फीट का एरिया बाहर निकला हुआ है दोस्तों, स्लैब के लिए, सॉरी स्टेयर के लिए। यहाँ से हम लोग आएंगे और फिर यहाँ से अंदर जाएंगे। ये इसका डिज़ाइन, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं बालकनी में, और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर में आएंगे। अभी हम लोग यहाँ से समझते हैं दोस्तों। यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ पे आए थे। ये हमारा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। ये दोस्तों, हम यहाँ से आके यहाँ पे आएंगे तो एक बेडरूम है जिसमें फॉल सीलिंग लगा हुआ था, इसमें और इसमें। ये बेडरूम है, इसकी साइज़ की बात करें तो 12 फीट बाई 12 फीट का ये हमारा बेडरूम है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से निकल करके इस साइड में आएंगे यहाँ पे, तो ये भी हमारा एक बेडरूम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसकी भी साइज़ सेम है, 12 फीट बाई 12 फीट का। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल करके यहाँ पे आएंगे तो एक छोटा सा हॉल है, हॉल से ही हम सब कुछ करेंगे। तो यहाँ सामने में दो डोर दिख रहे होंगे, एक टॉयलेट है और एक किचन है। तो हम लोग पहले किचन की बात कर लेते हैं। किचन की साइज़ 8 फीट बाई 7.6 फीट है दोस्तों। ये यहाँ से हम लोग आएंगे, हम लोग क्लोज व्यू से करके दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से निकल करके हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारा एक टॉयलेट है, इसकी साइज़ 7.6 फीट बाई 4 फीट है दोस्तों। इस प्लान की साइज़ की बात करें तो 30 फीट बाई 35 फीट का है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से होते हुए हम लोग यहाँ से निकल करके इस साइड और इस साइड दोनों डोर है, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे आएंगे तो एक 4 बेडरूम का प्लान है, यहाँ पे आ जाएंगे। और इसकी साइज़ की बात करें तो 13 फीट बाई 10 फीट का ये हमारा बेडरूम है, और इस साइड वाला भी सेम है, 13 फीट बाई 10 फीट का, जैसा कि देख पा रहे होंगे। इसमें अलमारी लगा हुआ है इस साइड भी दोस्तों। अगर ये प्लान अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल करके यहाँ पे आएंगे तो ये स्लैब, सॉरी स्टेयर है। स्टेयर से होते हुए हम लोग ये बालकनी यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पे हमारा स्लैब आएगा, इस जगह पे आएंगे और ये फर्स्ट टॉप फ्लोर में आएंगे दोस्तों। ये डिज़ाइन न्यू डिज़ाइन से बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें स्टेनलेस स्टील पे जाली लगाया गया है, आप चाहे तो इसे पूरा कवर कर सकते हो। और ये फ्रंट का दो रूम में, यहाँ सामने में भी डोर दिया गया है ताकि आप बालकोनी में वो आ सकें। और इसको ट्राइंगल शेप में डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर ट्राइंगल शेप में, ग्राउंड में भी इसको इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।